हेलो, ये 11.2 का क्वेश्चन 4 है और ये मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एंड फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे हमें बोला है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरा डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ये हो गया मेरा सर्कल। और अभी इसमें हमें बोला है कि हमारे पास एक डायमीटर है, तो हम एक डायमीटर बना देते हैं। डायमीटर हम कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना दिया, क्रॉस में बना दिया, कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें क्लियरली समझ में आए इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। अभी ऐसे बनाने का रीजन क्या है आपको शॉर्ट टाइम में समझ आएगा। फिर हमें बोला है कि अगर टेंजेंट्स है डायमीटर के एंड्स पे, यानी कि ये डायमीटर का एंड है, ये डायमीटर का एंड है, यहाँ पे हम नेमिंग भी कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ए और यहाँ पे ले लेते हैं बी, ये डायमीटर के एंड्स हैं। वहां पे अगर टेंजेंट्स बनाते हैं तो हम टेंजेंट्स बना देते हैं, ये हो गया मेरा एक टेंजेंट और दूसरे एंड पॉइंट यानी कि बी पे भी टेंजेंट बना रहा है, ये हो गया मेरा दूसरा टेंजेंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल है। यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ पी, यहाँ पे हमारे पास है क्यू, यहाँ पे हमारे पास है आर और यहाँ पे हमारे पास है एस। तो ये दोनों जो टेंजेंट्स है पी क्यू एंड आर एस वो पैरेलल है, वो हमें प्रूव करना है। अभी आपने प्रीवियस ग्रेड में ये एक सिंपल कंसेप्ट तो पढ़ा ही होगा कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं लाइक दिस और आपके पास एक ट्रांसवर्सल है लाइक दिस। और अभी मैं आपको इसमें बोलूं कि मुझे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ बहुत ही आसान है, हमने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा है कि उसमें जेड बन जाता है। तो ये मेरा जेड बन गया, यानी कि यहाँ पे ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पैर हो गई। ये दोनों में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वन पैर बनाते हैं और वो इक्वल होते हैं। आप सोच रहे हो ये क्यों नहीं, वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम डीलिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर के साथ कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल दूँ ये वन है ये टू है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू। सेम वे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे दूसरी पेयर बताओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो आप जेड ऐसे भी बना सकते हो, इजंट इट। और यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल एंगल थ्री है, यहाँ पे एंगल फोर है, तो वो दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, वो दोनों भी सेम है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो। यानी अगर मेरे पास पी क्यू पैरेलल आर एस है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू और एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर, इजंट इट। अब इसका उल्टा सोचते हैं, अगर मुझे पता चले कि ये दोनों तो सेम है, फिर ये दोनों भी सेम है, तो उसका मतलब तो ये हो गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। यानी इसका उल्टा सोच के, यानी कि हम ऐसा प्रूव करते हैं कि ये पैर और ये पैर सेम है, मेजर एंगल सेम है, तो उसका मतलब पी क्यू आर एस पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये है, अगर ये सेम है तो ये पैरेलल है, वाइसा वर्सा हम दोनों चीजें प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उल्टा सोचेंगे, हम क्या करेंगे, ये प्रूव कर देंगे कि ये एंगल सेम है, हम ये भी प्रूव कर देंगे कि ये एंगल सेम है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ये दोनों सेम है उसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अभी हम सेम प्रूव कर देंगे यानी कि पी क्यू पैरेलल आर एस है, यानी कि हमें थोड़ा उल्टा सोचना है। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हम ये एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे, अगर ये एंगल की पेयर्स इक्वल हैं तो ये लाइंस तो पैरेलल होगी ही होगी। तो ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वो वर्बली एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको हमें प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट भी करनी है, तो अभी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपको इतना समझ में आ गया तो दैट्स इट, यू आर डन, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अभी सिर्फ एक मिनट में पूरा लिख देंगे हम। तो सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने सर्कल बना दिया, यहाँ पे हमने नेमिंग नहीं किया लेकिन अभी मैं लिख देता हूँ सेंटर ओ। तो हमने एक सर्कल बना दिया विथ सेंटर ओ और फिर हमने उसमें एक डायमीटर बना दिया ए बी। फिर पॉइंट ए पॉइंट बी पे हमने टेंजेंट्स बना दिए जिसके नाम है पी क्यू एंड आर एस। पॉइंट ए पे टेंजेंट पी क्यू, पॉइंट बी पे टेंजेंट आर एस। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव क्या करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है वो पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्या प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल आर एस, यानी कि ये डायग्राम और ये तीन इन्फॉर्मेशन तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको प्रूफ नहीं आता है तो ये तीन चीजें तो आपको करके ही आनी है, डायग्राम फिर गिवन और टू प्रूफ। अभी फटाफट से प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ में हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें थियोरम 10.1 पता है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे मिलते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ टच है, ए जो है वो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टच है। एक्चुअली अभी तक हम टेंजेंट यहां तक ही बनाते आए हैं, इतना आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हमने एक्सटेंड किया। जनरली हम टेंजेंट यहाँ पे स्टॉप कर देते थे, ऐसे करते थे, लेकिन अभी हमने इसे स्ट्रेच किया। तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट जहां पॉइंट ऑफ टच है वहां पे राइट एंगल बनता है, इजंट इट। तो यहां पे हम लिख देंगे PQ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, इजंट इट, ये टेंजेंट है PQ, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि OA परपेंडिकुलर PQ। अभी आप सोच रहे हो क्यों,
क्योंकि ये तो रेडियस है, इज इट? और रेडियस और टेंजेंट तो 90 पे मिलते हैं, हमें पता है थ्योरम 10.1, यानी कि ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90। यहाँ पे मैंने एंगल 1, 2, 3 नहीं दिया है, बट जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही देना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एंगल 1, यहाँ पे एंगल 3, यहाँ पे एंगल 4, यहाँ पे एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद आगे चले जाते हैं, ओ बी अगेन रेडियस हो जाएगा सर्कल का, तो ओ बी परपेंडिकुलर आर एस, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यस। तो ये भी मैंने लिख दिया कि ओ बी परपेंडिकुलर आर एस की दो बातें मैंने लिखी। मैंने पहले बताया कि आर एस जो है वो टेंजेंट है पॉइंट बी पे, और ओ बी परपेंडिकुलर आर एस है अकॉर्डिंग टू थियरम 10.1। यहाँ पे भी लिखना है थियरम 10.1, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि 90 है। अभी देखो सभी एंगल 90 है, 1, 2, 3, 4 सभी 90 है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं 1 के इक्वल 4 भी बोल सकता हूँ, मैं 2 के इक्वल 3 भी बोल सकता हूँ, मैं 3 के इक्वल 4 भी बोल सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, क्योंकि सारे के सारे इक्वल हैं। ठीक है, अभी मुझे प्रूव क्या करना है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मुझे प्रूव क्या करना है, 1 और 2 को इक्वल मैं बोल सकता हूँ, बट सबसे पहले मैं कंक्लूजन लिख लेता हूँ कि 1 और 2 मिला करके क्या कंक्लूड हुआ। तो 1 और 2 मिला करके ये कंक्लूड हुआ कि सारे एंगल एक दूसरे को इक्वल है। अभी इसमें से मैं रिक्वायर्ड पेयर सिलेक्ट कर लूंगा, मेरे रिक्वायर्ड पेयर क्या है, 1 = 2, 3 = 4, वैसे सारे एक दूसरे को इक्वल है, लेकिन मुझे जो टारगेट करना है उसके ओरिएंटेड में काम करूंगा। तो मैंने ले लिया 1 = 2 and 3 = 4, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने कैसे कंक्लूड की, ये सारी इन्फॉर्मेशन से पी क्यू एंड आर एस है और ट्रांसवर्सल ए बी है, ये ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, तो पी क्यू पैरेलल आर एस होगा ही होगा। तो मैंने आसान से आसान लैंग्वेज में एंड फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक्सप्लेन किया। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।